कांके रोड स्थित सूरत सिंह मेमोरियल कॉलेज में छात्रों से जुड़ी समस्याओं को हल करने की मांग को लेकर शनिवार को NSUI के तत्वाधान में छात्र छात्राओं ने प्रधानाध्यापक कार्यालय के द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने मुख्य द्वार पर ताला भी जड़ दिया। दरअसल सुबह करीब 11 बजे NSUI के तत्वाधान में दर्जनों विद्यार्थी और NSUI के छात्र नेता हुसैन अमन की अगुवाई में कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रवेश द्वार पर हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज के प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी मिलने पर हरकत में आए कॉलेज के प्रधानाध्यापक ने छात्र छात्राओं को समझा कर ताला खुलवाया। बाद में NSUI पदाधिकारियों व छात्र छात्राओं ने प्राचार्य को 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देकर कॉलेज में छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान छात्र नेता हुसैन ने कहा कि वह 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं, जिसमें मुख्य मांग परीक्षा से जुड़ी हुई है। देखिए, मेरी आज कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य महोदय से 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना है, जिसमें विशेष जो बात है वो 19-22 सत्र के जो बच्चे हैं उनका जो पेमेंट था ऑनलाइन, जो एग्ज़ाम विश्वविद्यालय कंडक्ट कराई थी कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन, सारे बच्चे एग्ज़ाम दे दिए थे, ठीक है, इसमें निसंकोच कोई बच्चा छूटा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, उनका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है, और 4 महीना के बाद रिजल्ट आता है तो बच्चा को पता चलता है कि मेरा रिजल्ट पेंडिंग है, और उसका जब जाँच पड़ताल करवाया जाता है तो पता चलता है कि नहीं, विश्वविद्यालय के अकाउंट में वैसा बच्चा का पैसा नहीं आया, जिसके वजह से इसका पेंडिंग रिजल्ट है। आप बताइए कि ये काम ड्राफ्ट के माध्यम से कॉलेज को पहले ही बना देना चाहिए। जब इस विषय को लेकर हमने माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर कामिनी कुमार मैम से मिले, वो कुछ मीटिंग में व्यस्त थी, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के तौर पे परीक्षा नियंत्रक आशीष झा सर को भेजे थे, ठीक है, उसने आश्वासन बच्चों को दिया कि जिसका पेमेंट फेल है मैं हुसैन अंसारी को 30 तारीख तक जिम्मेदारी देता हूँ कि वो सारे बच्चे का एक ड्राफ्ट बनाए, और जो बच्चा का पेमेंट गेटवे पेमेंट फेल हुआ था, विश्वविद्यालय में पैसा नहीं पहुँचा था, वो कॉलेज में ऑफलाइन अपना चालान कटा के परीक्षा नियंत्रक के समक्ष अपना रसीद जमा करें। अब जब यहाँ बच्चा आ रहा है, रसीद कटा के जमा कर रहा है, तो यहाँ एक नया ड्रामा शुरू हो गया कि नहीं, ये बच्चा का जेनरिक का नंबर गया था कि नहीं गया था, ये तो कॉलेज के ना विषय था, ये छात्र इस पर कैसे रोशनी डाल सकता है। 4 महीना पहले एग्जाम हो चुका है, इस विषय को लेकर छात्रों के साथ काफ़ी, मतलब कल कुछ ऐसे छात्र थे जो शादीशुदा है, रोने लगी, हम लोग से रहा नहीं जा रहा है। अब बताइए, हम लोग छात्र नेता रहने के बावजूद अगर मेरी बहन लोग रोने लगे और समस्याओं से घिरे रहे, तो फिर हमारा जैसा छात्र नेता, हम यही चाहते हैं कि 2 साल में 2 सेमेस्टर क्लियर हुआ है, और 1 साल में 2 से 4 सेमेस्टर कैसे क्लियर हो सकता है। अभी विश्वविद्यालय का देखिए एक न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है, जो बच्चा सेमेस्टर 2 क्लियर किया वो रीएडमिशन। मुख्य मांगे क्या? मेरी मुख्य मांगे है कि 19-22 सेमेस्टर 2 में जो फीस मामला अटका हुआ है उसको विश्वविद्यालय लिखित दे हमको, और उसको क्लियर करे। और 19-22 में ही बोल रहा है कि नहीं, जेनरिक का किसी का नंबर नहीं गया है, तो उतना दिन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय क्या कर रहा था, ठीक है, ये था। और दूसरा, कॉलेज के अंदर विधि व्यवस्था में सुधार नहीं है, 4000 विद्यार्थी हैं और इसमें सिर्फ 2 ही काउंटर है, जिसे काफ़ी दिक्कत होती है, और कोरोना काल खत्म हो चुका है, ठीक है। हमारा एक मांग है कि ड्रेस कोड लागू हो सख्ती से, यहाँ स्टूडेंट से ज़्यादा दिख रहे हैं, बाहर के लोग आके कहीं ना कहीं मटर गश्ती कर रहे हैं, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। अभी जब तक हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर, ठीक है, विश्वविद्यालय ने मुझे आदेश दिया है कि वैसे लड़कों का आप नाम लिखिए और उनका ऑफलाइन फ़ी आप जमा कीजिए, ऐसे लड़के जिनका अनसक्सेसफुल हो गया, इन जिनका अक्सर उनको हम लोग यहाँ पर उनका सबको कह रहे हैं कि आप लोग जमा कीजिए परीक्षा विभाग में, और उसको आप लोग, हम लोग उसका ऑफलाइन परीक्षा फी लेंगे और यूनिवर्सिटी को सूचित करेंगे कि ये लोग परीक्षा फॉर्म भर दिए हैं, यही चल रहा है, समझे, इसका सॉल्यूशन निकल गया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। छात्र लगातार जेन्युइन चीज़ों को लेकर, आइडेंटिटी कार्ड ऐसे तमाम, जी हाँ एकदम, देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि छात्र जो भी नेता हैं या जो इन लोग हैं, इसमें एकमात्र यही एक आदमी है जो लिखित रूप से कुछ देते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी विश्वविद्यालय का सिस्टम या कहीं का भी सिस्टम यही है कि आप लिखित रूप से कोई चीज़ दीजिए, उस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु उसको लगाकर आगे भेजा जाता है। आप केवल खड़ा होकर बोलिएगा ये बात ना, इन लोग का क्या कहता, आधा ज़्यादा यहाँ जो है ना वो केवल बोलते रहते हैं इधर से उधर। आपको लिखित देना होगा हमको कि ये चीज़ नहीं है, और कुछ बात ऐसी होती है जैसे अभी आपने कहा कि आप इतना पैसा लेते हैं, ये करते हैं, उसमें आपको अगर कभी शांति से बैठिएगा
तो उसका एक नियम है यूनिवर्सिटी का, उसका क्या है कि वहाँ दो अकाउंट होता है, अकाउंट ए अकाउंट बी। मेरा जितना लड़का का पैसा आता है इन लोग से जितना लेते हैं वो मेरे खाता में नहीं आता है, वो चला जाता है। इन्होंने कहा कि 80 रुपया लेते हैं, 100 रुपया, वो मेरे खाता में नहीं आता है, वो अकाउंट ए जो यूनिवर्सिटी का खाता है उसमें चला जाता है। उस खाता और हम जो खर्चा करते हैं वो केवल इसलिए करते हैं, वो कैसे करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी को लिखते हैं कि आप हमको भेजिए, जैसे इन लोग फीस जमा करेगा ना, इस साल चल चला गया अकाउंटे में, और हमारे पास जो अपना जो कंटिजेंसी फंड होता है या और जो हमको कुछ पैसा बचा हुआ है, मान लीजिए किसी का एरियर आया बचा हुआ है, हम उस फंड से आपका कोई काम करते हैं, काम करते हैं। और इसी के लिए हमने यूनिवर्सिटी को कई बार लिखा है, तुम हमसे आके मिलना और देखना कि हमने यूनिवर्सिटी को कितना बार लिखा है कि आप मेरा जो रुपया है वो उस रुपया को आप क्यों नहीं हमको रिलीज़ करते हैं। हमको काफ़ी बाधा पैदा होता है कार्य करने में, कहने का मतलब कि हमको तुम पैसा दिए और पैसा तुम्हारे नाम पर जमा हो गया, अब बार बार हम तो कहाँ से तुम, अब तुम दे नहीं रहे हो तो हम कहाँ करें, इसलिए तुमको इसको हम बता देंगे। ये मांग को भी हम लोग रखें, हाँ रखो कि भाई आप मांगे सर, इनकी मांगे क्या लगता है कि जायज और कब जायज है तो कब तक पूरी होंगी? निश्चित रूप से आज इनको हम बुलाते हैं, ये आज आप आइए हमसे 2 बजे मिलिए, समझे ना, और आज हम इस पर कार्यवाही। ये स्टूडेंट मेरे हैं, एक चीज़ हम बता देते हैं, ना कि यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी के पूरे यूनिवर्सिटी के को वो देखता है, लेकिन हमारा तो स्टूडेंट है। मेरा ही कहना है कि हम इनके कार्य के प्रति ज़्यादा सजग हैं, लेकिन जैसे इन लोग का कोई चीज़ फेल कर जाता है या इन लोग भरता है ऑनलाइन, मेरे पास वो पोर्टल नहीं है जो कि हम उनका ठीक कर दें।